टीआरएस कॉलेज में 2 दिवसीय रोजगार मेले का हुआ आगाज। रोजगार देने आई अधिकतर कंपनियां मार्केटिंग एवं इंश्योरेंस की। 18 से 35 वर्ष के बालक बालिकाओं के लिए रीवा के टीआरएस कॉलेज में 2 दिवसीय रोजगार मेले का आयोजन किया गया। मेले के प्रथम दिन लगभग 1500 लोगों का पंजीयन हुआ। मेले में ज्यादातर कंपनियां मार्केटिंग और इंश्योरेंस सेक्टर की ही नजर आई। हम आपको बता दें, उक्त रोजगार मेला टीआरएस कॉलेज और साइंस कॉलेज, या यूं कहें शहर के 2 सबसे बड़े कॉलेजों का संयुक्त प्रयास था, तो गलत ना होगा। कॉलेज परिसर में अलग अलग काउंटर बनाए गए थे, जहां पर रोजगार की तलाश में आए युवक युवतियों के बायोडाटा को एकत्र किया गया। अब उनका इंटरव्यू किया जाएगा, उसके बाद पात्र युवक युवतियों को रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। छोटे पैमाने में किए हैं, इसका प्रैक्टिकल किए हैं, अभी 1 माह ही हो गए सर, तो अभी लगाए हैं। 2-3 किलो निकला भी था तो हम नहीं ला पाए। हमारे अभी हम लोग शुद्ध मैं बोला था कि सब लोगों से लेते आओ, तो खुद ही चमत्कृत है सर। अभी ये हमेशा फ्रेश यहाँ उपलब्ध रहेगा, जब आपको जरूरत हो। अभी प्रोडक्शन करे हो ही नहीं हो रहा है सर, ये बड़ा डिमांडिंग होगा। आज ये करियर अवसर मेले का आयोजन किया जा रहा है। ये इस मेले का आयोजन मुख्य रूप से जिला प्रशासन एवं उच्च शिक्षा विभाग के मार्गदर्शन में संयुक्त तत्वाधान में किया जा रहा है। इसमें मुख्य रूप से जो अपने स्वरोजगार योजना से संचालित विभिन्न विभाग हैं, लगभग 20 विभागों के स्टॉल और काउंटर लगाए गए हैं, जिनका कि निरीक्षण माननीय अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा के द्वारा किया जा रहा है। और स्वरोजगार के साथ साथ रोजगार के क्षेत्र में भी कुछ कंपनी बुलाई गई हैं, लगभग 10 कंपनियां आई हैं, जिनके द्वारा चयन की प्रक्रिया पूरी की जा रही है। अभी लगभग जो है लगभग 1500 से 2000 के बीच में पंजीयन माने हो चुका है, और कंपनियों का चयन प्रारंभिक कंपनियों के द्वारा भी प्रारंभिक चयन किया जाएगा। प्रारंभिक चयन के पश्चात जब अंतिम चयन होगा, तो फिर ये इंटरव्यू और अपनी प्रोसीजर लिखित परीक्षा के द्वारा ये अंतिम चयन करेंगी, तो सूची हमें उपलब्ध कराएंगे।